मोबाइल फोन पर अपनों का हाल जानते पूछते जाने कब हम इस मोबाइल के नशे के शिकार हो गए। आलम यह है कि मोबाइल के एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास पहुंचने लगे हैं। प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में खुले मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र में अब तक 50 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। यह सभी लोग मोबाइल की लत के शिकार थे। मोबाइल के एक्सेसिव यूज से जिनमें एडिक्शन का रूप ये ले चुका है, बच्चे हैं या इवन वयस्क भी जो इससे प्रभावित हैं, उनको सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वो सेवाएं काउंसलिंग के रूप में हैं और अगर दवाओं के ज़रूरत आवश्यकता है तो साइकेट्रिस्ट की एडवाइस से वो भी ली जा सकती हैं। मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र आने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर इनकी काउंसलिंग की जाती है। उनके नेचर ऑफ केसेस की बात की जाए तो ज़्यादातर यंगस्टर ही रहे हैं जिनमें पबजी एडिक्शन रहा है, टिकटॉक एडिक्शन रहा है और मोबाइल में सोशल मीडिया का ओवर यूज़ रहा है, ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास। हैरानी की बात तो यह है कि कई बच्चे भी यहाँ काउंसलिंग के लिए आ चुके हैं। हमारे पास जो केसेस आए हैं वो एडोलेसेंट ग्रुप के रहे हैं, लेकिन अभी दो दिन पहले एक बच्चा आया था जो वो 8 साल का बच्चा था, स्कूल भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन जो मोबाइल यूज़ है उसका वो प्रॉब्लमेटिक है। वो क्या कर रहा है कि खाने के समय उसको मोबाइल चाहिए, पढ़ेगा तभी जब भी उसको मोबाइल चाहिए, सोने के पहले उसको मोबाइल चाहिए, जिसमें वो सिर्फ गेम ही नहीं खेल रहा है बल्कि अभी से फेसबुक पे अकाउंट बना के रखा है, इंस्टा पे अकाउंट बना करके रखा है। प्रदेश का पहला मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में शुरू हुआ है और खुशी की बात है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सारे ज़िलों में लागू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही गंभीर से लेकर के साधारण किस्म तक के मोबाइल नशा मुक्ति के लिए हमारे पास लोग आए। मोबाइल कभी हमारी ज़रूरत थी लेकिन आज यह आदत और उससे भी कहीं ज़्यादा लत बन चुकी है। मोबाइल की इसी लत से छुटकारा दिलाने के लिए कॉल्विन हॉस्पिटल में चल रहा है मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र। प्रयागराज से INXLIVE.COM के लिए मैं दीपक मिश्रा।